करना चाहते भैया या सड़क बना देवे। अच्छा यू मारो खेत बोल लगे हम चार दौड़े होल लगे या कौन तक या पानी का निकाल करे या को या 200 साल 300 साल होली है या दगड़े जब सु राजेंद्र प्रधान बना जब सु दगड़ा बना नहीं है। हाँ एक बार सुभाष ने बनवाया हो यू उसके बाद किसी ने नहीं बनवाया यू महेश तो हाथ लगाता ही नहीं। नमस्कार मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के मेवला भट्टी गांव में हूं। आज मेरे साथ कुछ लोग हैं तो आज इस चुनावी चर्चा पे हम लोगों से जुड़ेंगे और लोगों की समस्या जानेंगे कि किन मुद्दों पे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो लोगों को वोट करेंगे। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। एडवोकेट सोनू बैसला मेवला भट्टी। अच्छा मेवला भट्टी सोनू जी, जैसा कि ये गांव है जी 2022 का चुनाव भी आ गया है जी जी, मुद्दा क्या रहेगा आपके यहाँ? इसमें मुद्दा सबसे बड़ा हमारे गाँव के अंदर पानी जो 20 साल से लगातार ऐसा ही है, जो हमारे यहाँ पे ब्लॉकेज हुए पड़े हैं गाँव में पानी, लोग पानी से जाकर के अगर घर कहीं भी जाते हैं खेतों में जाते हैं तो पानी से होकर के जाते हैं। आप देख सकते हो इधर यहाँ पे पानी हमारे यहाँ पे ग्राम प्रधान है ब्रिजेश। ग्राम प्रधान कौन है सर आपके यहाँ? प्रधान ब्रिजेश। अच्छा ब्रिजेश तीन योजना से लगातार प्रधान रही है। अच्छा गांव में करोड़ों रुपए आए हैं जी, लेकिन गांव में करोड़ों रुपए कहाँ लगे हैं जी? गांव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पानी जी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो इस गांव को दो बार जी मुख्यमंत्री के द्वारा अवार्ड मिले हैं, स्वच्छता अभियान का इसको अवार्ड मिला है। अच्छा आप देख सकते हैं जैसा कि कहना है कि सोनू जी का मेवला भट्टी गांव को ये मेन रास्ता है, इस मेवला भट्टी गांव को दो बारी स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिला है, स्वच्छता का सबसे बड़ा एक वो मिला है रिवार्ड मिला कि ये गांव स्वच्छ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्वच्छ है कि अगर इधर कोई भी पैदल यात्री जाना चाहे इस गांव के अंदर तो आप देख सकते हैं ये किस तरह इस यहाँ के ग्राम प्रधान ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ के ग्राम प्रधान का बजट कितना है भाई साहब बताएंगे एक बारी? भाई साहब बजट जो पिछले शायद आया था कम से कम 8-9 करोड़ रुपए आए थे गांव के लिए। अच्छा 8-9 करोड़ रुपए आए हैं जी, जितने गांव में आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गांव के अंदर अधिकतर जो काम हुए विधायक के द्वारा हुए है जी, सांसद जी के द्वारा हुए, इधर 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 देख के बात करना, जिला पंचायत के द्वारा हुए है। अच्छा लेकिन जो पानी की जो मेन समस्या है जी, ये ग्राम प्रधान ने या तो कुछ भी कह लो ये समस्या है, मेन रास्ता है जी, लोग यहाँ से होकर के जाते हैं और ये पानी कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में पानी भरा हुआ है, ये रास्ता बहुत, और इसमें अभी दोबारा से सर्वे हुआ है, उसमें अधिकारी बीडीओ है सेक्रेटरी है, इन्होंने फिर सर्वे करके बताया कि मेवला भट्टी बहुत स्वच्छ गांव है, इसको एक बार दोबारा से अवार्ड के लिए भेजा गया है। अच्छा जैसा कि आप देख सकते हैं जी जी, इनका कहना है सोनू जी का कि इस गांव में इसको स्वच्छता के लिए तीसरा टर्म है कि इसको स्वच्छता अवार्ड दिया जाए। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि गांव इतना स्वच्छ है मेवला भट्टी तो इसको दोबारा से 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है, क्योंकि ये गांव बहुत स्वच्छ है। अच्छा और ये इतना स्वच्छ है गांव में आप रास्ते की स्थिति देख सकते हैं जी जी, यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा है जी, तो इसके लिए आपने अपने विधायक या सांसद से आपने इनकी कम्प्लेन नहीं की? कम्प्लेन इसमें ये बात है कि ग्राम प्रधान कराएगा। अच्छा ग्राम प्रधान किस लिए होता है? ग्राम प्रधान को जनता सुनती है, हम लोग सुनते हैं। नहीं ठीक है आपकी बात आपका कहना ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस गांव में ये जो गांव के अंदर जाने का रास्ता है ये पूरी तरह जलमग्न है, जबकि आप सभी को पता है अभी मानसून भी नहीं आया है दिल्ली और NCR के एरिया में, उसके बाद ये गांव की हालत है जी जी। आप देख सकते हैं ये गांव है जिसको स्वच्छता का अवार्ड मिला है पिछले 3 सालों से, ये तीसरी बार भी इसका सर्वे हो गया है और इसको देख करके हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अधिकारी लोग पता नहीं क्या करते हैं, अवार्ड के लिए गांव का नाम भेज दिया, मैं कहता हूँ जो वीडियो भी लिखते हैं सेक्रेटरी लिखते हैं इन सभी को हर चीज पता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या होता है गांव में इतना पानी भरा हुआ है फिर भी लोग स्वच्छ बता रहे हैं। अच्छा यहाँ के विधायक कौन है? विधायक नंद किशोर गुर्जर। अच्छा नंद किशोर जी को आपने इसकी कंप्लेन की है? कंप्लेन लेकिन बात तो है ना ग्राम प्रधान के पास इतना पैसा आया है तो अगर ग्राम प्रधान का कितना पैसा बजट गया, ठीक है ग्राम प्रधान अगर काम नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी ऊपर कंप्लेन होनी चाहिए जो यहाँ के कई बार लिखित में शिकायत दी है। अच्छा नहीं हो रहा है दो साल से हमारा खेत नहीं भूरो। अच्छा करने को भी रास्ता ना, कैसा प्रधान बनाया तो प्रधान कैसे कोई खा जावे? प्रधान तो आप लोगों ने बनाया है वोट देके, ये धीवर काम है यार। अच्छा
हाँ इन्हें देता रहे खाने को घर बनावे को इनके इनकी सड़क बनावे को इन्हें पैसा देवे को ये बनाते हैं यार। अच्छा अच्छा हाँ गुजर नहीं है आज ज्यादा बोलते बल पे बाहुबली। अच्छा अच्छा मतलब गुजरों के सामने बाहुबली पना दिखा रहे हैं ये अच्छा प्रधान भी गुजर है वो बाहुबली है। अच्छा बाहुबली है प्रधान गुजर है खुलेआम रिवॉल्वर रखता है लोगों को डरा धमका करके रखता है। अच्छा लोग उसके सामने बोलते नहीं है वो कहता है मेरी सरकार है जैसे मर्जी पूरा झोड़ गिरवा। अच्छा मतलब वो उनकी सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो मतलब भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रहे हैं वो बदनाम कर रहे हैं बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोगों को बदनाम होते हैं रिवॉल्वर लगा के रखता है जो उसके नाम भी नहीं है। अच्छा उसकी मैंने शिकायत भी कर रखी है। अच्छा उसका कुछ नहीं मोटी गिरवा दिया सड़क पर झील में जा लिया सारा। अच्छा। मोटी गिरवाता कहाँ तक गिरवा में देखे यू गिर निकलने को भी रास्ता नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं उधर से ही आ रहा हूँ। दो साल हो गया खेत बंजर हुए नहीं बंजर हो रहा दो साल से यू खेत या में एक दोनों नहीं हो रहा तीन चार बीघो खेत पड़ा नहीं मारा कोई छोड़ के देखो आप देख सकते हैं ये माता जी बता रहे हैं कि ये इनका खेत है जो पिछले चार पाँच सालों से इस रास्ते की वजह से हाँ। इस रास्ते की वजह से सारा पानी इनके खेत में जाता है। आप ये देख सकते हैं इस खेत की चार पाँच सालों से बुआई नहीं हुई है नहीं हुई तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है पुलिस प्रशासन या जो भी रिलेटेड अधिकारी हैं आप देख सकते हैं ये जी। अच्छा और भी रास्ते हैं उधर भी ऐसी अच्छा 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 और भी रास्ते हैं और गांव का तालाब भी अतिक्रमण से पानी का घेरा। अच्छा गांव के तालाब पे भी मतलब कब्जा हो रखा है लोगों का उसको सही से नापाई नहीं हो रही उसकी कोई सफाई नहीं हुई है। अच्छा आज तक सफाई नहीं सफाई के नाम पे पैसे सारे गोलमोल हुए प्लॉट बन चुके हैं ग्राम तालाब के अंदर प्लॉट कटे हुए हैं और झोड़ जो तालाब वो बहुत बड़ा आज बहुत यानी कम वो बचा है उसको पूरी तरह से घेर चुका है। ग्राम प्रधान अपने बाहुबली दम पे सब कुछ खुलेआम करता है लोग उनसे डरते हैं बाहुबली लोग हैं वो आए दिन लोगों के साथ मारते हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है लोनी थाने के अंदर। अच्छा बहुत सारे ऐसे मुकदमे प्रधान का नाम क्या है प्रधान है महेश गुर्जर। अच्छा महेश गुर्जर बाहुबली महेश गुर्जर मेवला भट्टी। अच्छा 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 अधिकारी तो अच्छी साठगांठ है सेक्रेटरी है सेक्रेटरी सब मिला हुआ है 20 बार उन्होंने बोला पानी की समस्या है। हमने पूछा भी अधिकारी लोग आए एक बार यहाँ पर सर्वे करने आए थे स्वच्छता वाले तो हमारे यहाँ पे औरतें थी पता हो रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई साहब इधर चलो पानी भर रहा है नहीं नहीं हम इधर नहीं जाएंगे तो उससे साठगांठ होती है तो अवार्ड मिल जाता है कोई देखने आता नहीं है और तिबारा से 1 करोड़ रुपए आए गए वहाँ मेला। आंटी आंटी आप सरकार से क्या चाहते हैं कि आपके गाँव की किस तरह से सड़क बनाई जाए कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो क्या चाहते हैं? हमारी सही बन जा सड़क भैया लिखने को तो रहा हो जाए यू खेत बुअल लगे इतनी समस्या हो जाए। योगी जी से कुछ बोलना चाहते हैं ये योगी जी तक वीडियो में कोशिश करूंगा कि उनके तक वीडियो पहुंचे और ये मेवला भट्टी गांव है जो इसकी तस्वीर उनके तक पहुंचे और वो जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको इसके लिए बोले कुछ कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं भैया यह सड़क बना देवे। अच्छा यू हमारो खेत बोल लगे हम चार दौड़े होल लगे या कहो तक ये पानी का निकाल कर है या कहो या 20 साल का साल 300 साल हो लिया या दगड़े जब सु राजेंद्र प्रधान बना जब सु यू दगड़ा बना नहीं है। हाँ एक बार सुभाष ने बनवाया यू उसके बाद किसी ने नहीं बनवाया यू महेश तो हाथ लगाता ही नहीं। ठीक है धन्यवाद महेश नहीं लगा। क्या कहना चाहिए क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव। घूम के जाना पड़ रहा है 5 किलोमीटर ऊपर जब खेत पे जा रहे हैं खेत मेन रास्ता खेत का है ये आप देख सकते हैं इनको अपने रास्ते पे जाना पड़ता तो 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है क्योंकि ये पूरी तरह जल भराव हो रखा है रास्ता यही है। और इस गांव मेवला भट्टी गांव को स्वच्छता का एक प्रमाण पत्र हर साल दिया जाता है कि ये लोनी विधानसभा का 3 बार अवार्ड मिल चुका है। अच्छा 3 बार अवार्ड मिल चुका है को, महेश प्रधान अच्छा को, महेश प्रधान को के लिए पता नहीं किस बेस पे देते हैं अधिकारी कहां पे चलता है पता ही नहीं चलता लोनी ब्लॉक का मेवला भट्टी गांव है। अच्छा लोनी ब्लॉक का मेवला भट्टी गांव को हर बार अवार्ड मिल जाता है पता नहीं किस बेस पे कहां। ठीक है आप ये देख सकते हैं ये मेन रास्ता है अगर किसानों को अपने वहाँ पे जाना पड़े तो इनको 5 किलोमीटर दूर। तो आगे भी देखते रहिए इस चुनावी चौपाल में अखिल भारत के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे शहर शहर गांव गांव हर जगह आपको लेके पहुंचेंगे तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।